हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नेचुरल मेकअप लुक। आप कहीं नॉर्मली पार्टी में जा रहे हैं या फिर मार्केट वगैरह जा रहे हैं, तो ये सिंपल सा मेकअप लुक आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी तो आज सोचा कि बना दिया जाए, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपको अपने फेस का CTM करना बहुत ज़रूरी होता है। CTM मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको, CTM होता क्या है, क्लिंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, पता है ना आपको CTM के बारे में। CTM करके नहीं दिखा रही हूँ, CTM करने के लिए आपको फेस का क्लीन अप करना होता है। क्लींजिंग मिल्क से कर लीजिए या फिर आप नॉर्मल फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके आ जाएंगे। सेकंड स्टेप, CTM में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको स्किन को क्लींजिंग करना है, सेकंड स्टेप में आपको टोनर यूज करना होता है। कोई अच्छी ब्रांड का टोनर ले लीजिए, अगर टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल भी यूज कर सकती हैं। कोई भी प्रोडक्ट फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 2 मिनट तक उसको टाइम देंगे ताकि वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो 2 मिनट इसको टाइम देंगे, इसके बाद से आपको अपना मॉइस्चराइजर यूज करना है। उसके बाद से जो लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, मॉइस्चराइजर यूज करना है। मैं यहाँ पे जॉय का स्किन फ्रूट यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप वो यूज कर सकते हो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। सर्दियों का टाइम है तो मॉइस्चराइजर लगाने में कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल भर भर के मॉइस्चराइजर लगाना है ताकि आप जो भी मेकअप करें वो अच्छे से ब्लेंड हो और अच्छे से अच्छा नेचुरल लुक आए आपका। आपको मेकअप नहीं करना है तो भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए फेस पे। ओके, मॉइस्चराइजर लगा दिया। मॉइस्चराइजर लगा दिया तो कई लोग पूछते हैं कि मैम मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर यूज करना जरूरी है। तो डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्राइमर यूज नहीं करते हो तो आपकी जो स्किन पोर्स होती है, जो हमारे स्किन में छेद होते हैं बट वो दिखाई नहीं देते हैं, वो आपके मेकअप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में वो आपका मेकअप अजीब सा दिखता है, इसलिए आपको प्राइमर यूज करना जरूरी है। तो डाउट क्लियर हो गया होगा मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर यूज करना है कि नहीं करना है। करना है, जब भी आप मेकअप अप्लाई कर रहे हो तो मॉइस्चराइजर यूज प्राइमर यूज करना ही है। तो मैंने इतना सा प्राइमर लिया है। हमारे अक्सर स्किन ओपन पोर्स यहाँ पे आते हैं, फोरहेड पे भी कई लोगों के आते हैं, यहाँ आते हैं अच्छे से लगा के ब्लेंड कर देना है। ओके, इसको भी 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि आपके जो ओपन पोर्स है उसको अच्छे से कवर करें, हाइड कर दे, ताकि आप जो भी मेकअप अप्लाई करो वो अच्छे से आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाए और नेचुरल लुक दे आपके मेकअप को। तो ये हमारा नेचुरल मेकअप लुक है। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, तो आप कलर करेक्टर यूज कर लीजिएगा नॉर्मल मेकअप के लिए भी। अगर नहीं है तो आप सिंपली अपना इसके बाद से फाउंडेशन अप्लाई करोगे। मैं यहाँ पे फिटमी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, शेड नंबर 115 है, एंड आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग शेड नंबर चूज कर लीजिएगा। मेरा बहुत ज़्यादा फेयर कलर है तो मैं 115 यूज कर रही हूँ। फिटमी का फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है, ये ब्लेंडिंग में भी बहुत इजी तरीके से ब्लेंड हो जाता है एंड बहुत नेचुरल लुक देता है आपको। तो मैं यहाँ पे 2 पंप फाउंडेशन ले रही हूँ। मैं अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए खुद का फिंगर यूज करती हूँ। आप चाहो तो ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे भी ब्लेंड कर सकते हो अपने मेकअप को। इसको अच्छे से पानी में डीप करना है और सारा पानी निचोड़ लेना है, उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से सारे मेकअप को ब्लेंड करना है। बट मैं सेल्फ करती हूँ तो खुद बस अपने फिंगर टिप से ही अपना मेकअप ब्लेंड करती हूँ। आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरा। पिगमेंटेशन है तो आप फिर से बता रही हूँ, कलर करेक्टर यूज कीजिएगा। कलर करेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं सब कुछ मैंने अपने पहले वाली वीडियोज में बताया हुआ है, नेक्स्ट टाइम भी लेके आ जाऊंगी। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसके बाद से कंसीलर यूज कर लेंगे, जो कि हमारे डार्क सर्कल्स को या फिर हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है तो वो अच्छे से कवर कर दे और हाइड कर दे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर करेक्टर यूज नहीं किया है। बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि डे पार्टी मेकअप लुक है ये। बस इतना था और इसको अच्छे से फिंगर टिप से ब्लेंड कर लेंगे।
पूरे मेकअप को सेट करने के लिए आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस के स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज कर ले रहे हैं। मुझे यहाँ पे डायरेक्ट कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे कैमरा मिरर की तरफ कर दे रही हूँ, इसमें आपको भी दिखेगा और मैं भी अच्छे से अपना ब्लेंड कर पाऊंगी। श्वेता आप कैमरे में आ रहे हो। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है मेरा। अब मैं फेस पाउडर यानी कि कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी आप उसको बोलते हो वो आप ले लीजिए और अपने फेस को अच्छे से जो मेकअप है आपका उसको सेट कर लीजिए। अब मेकअप को सेट करने के लिए मैं ये VLCC का शेड नंबर 1 ले रही हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर हमारा। इसको आप ब्रश की मदद से या फिर सिंपली इसमें स्पंज दिया होता है इस टाइप का, इससे आप अपने मेकअप को सेट कर सकते हो। तो मैं स्पंज से ही कर ले रही हूँ, बहुत इजी वे बता रही हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट और यूज ना करना पड़े और आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ओके, सेट तो कर लिया हमने। अब आपको अपने फेस का जो ब्लशर यूज करना होता है वो यूज करेंगे। मेकअप करने के बाद ब्लशर जरूर लगाएगा, ब्लशर से आपका जो मेकअप होता है वो नेचुरल लुक आ जाता है उसका। पिंक कलर का ब्लश यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप ब्लशर यूज नहीं करोगे तो आपका मेकअप का जो बेस है वो बहुत व्हाइट व्हाइट दिखेगा और लगेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है अलग से। तो नेचुरल दिखाने के लिए आप थोड़ा सा ब्लश जरूर यूज कीजिएगा। ब्लश यूज करने के बाद से आपको हाइलाइटर यूज करना होगा। तो हाइलाइटर यहाँ पे स्विस ब्यूटी का है। स्विस ब्यूटी के ऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मेकअप प्रोडक्ट जो है स्विस ब्यूटी के, और बजट फ्रेंडली होता है। ये शेड नंबर 2 है, ये ऑल स्किन टाइप पे जाएगा। शेड नंबर 1 भी मेरे पे चल जाएगा बट मुझे शेड नंबर 1 मिला नहीं है तो मैं 2 ही यूज कर रही हूँ। ये डार्क मीडियम एंड फेयर स्किन टोन वालों सब पे चला जाएगा। अगर आपके पास हाइलाइटर यूज करने के लिए ब्रश नहीं है, मेरे पास तो है बट मैं एक हैक बता दे रही हूँ। इसको आप इस तरीके से करना है, फ्लैट कर लेना है, देन प्रोडक्ट को लेना है नोज पे, इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। काफी अच्छी सी साइन दिख रही है आपको मिरर में। जब भी आप हाइलाइटर यूज करते हो आईज के थोड़ा सा नीचे से अप्लाई कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका डार्क सर्कल होगा वो विदाउट कलर करेक्टर के भी अच्छे से हाइड हो जाता है। कई बार हमारे पास कलर करेक्टर नहीं होता तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। अब हमने अपना मेकअप तो कर लिया बट हमने यहाँ पे आई मेकअप नहीं किया। तो आई मेकअप जैसे डे पार्टी लुक है तो आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, या फिर कई लोगों को बहुत नेचुरल सा लुक चाहिए होता है तो आप यहाँ से व्हाइट कलर का ब्लशर अप्लाई करोगे अपने आईब्रोज के जस्ट नीचे। ओके, अब आपको ये व्हाइट कलर वाला ही कलर करेक्टर इनर कॉर्नर से अप्लाई करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेके अपने इनर कॉर्नर पे यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब आपको पिंक कलर का आई शेडो लेना है, देन आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है और ये आपका नेचुरल सा आई मेकअप रेडी हो गया डे पार्टी लुक के लिए। इसके ऊपर आप चाहो तो ग्लिटर यूज कर सकते हो और नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। जो हमारी क्रीच एरिया होती है उसके थोड़ा ऊपर तक हमको आई शेडो अप्लाई करना होता है ताकि जब हम आईज ओपन करें तो भी हमारा आई शेडो जो है वो दिखाई दे। लो वाटर लाइन पे इस तरीके से पिंक कलर का आई शेडो लेके अप्लाई कर देंगे आउटर कॉर्नर पे, एंड इनर कॉर्नर पे आप व्हाइट वाला अप्लाई कर लेना। अब इसके बाद से आपको अपना आईब्रो फिल करना है, लिपस्टिक लगाना है, आईलाइनर लगाना है एंड आपका मेकअप डन है। तो आईलाइनर मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ।
मुझे मार्केट जाना है तो बहुत ज्यादा चौड़ा मैं यहाँ पे नहीं अप्लाई करूंगी। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। दूसरी वाली आईज में भी कई बार हम लोग विंग्स बनाते हैं तो वो अक्सर मिस्टेक करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, तो देखिए ध्यान से आपका जो ये कट लाइन होती है, जो यहाँ से कट लाइन होती है यहाँ से आपको विंग्स को इस तरीके से लेके जाना होता है, देन इसको लाके अपने मिडल पार्टीशन पे इस तरीके से मिला देना होता है। इस तरीके से आप सेल्फ से भी बहुत अच्छे से लाइनर बना लगा सकते हो और विंग्स को क्रिएट कर सकते हो। लो वाटर लाइन पे हाफ आईज आई लो वाटर लाइन पे हाफ तक आपको इस तरीके से लाइनर लगाना होता है। इससे क्या होता है आपकी आईज जो होती है वो बड़ी दिखती है एंड आपका जो काजल होता है वो नहीं फैलने देता, ये उसको रोकता है। ओके लाइनर हमने लगा लिया, मस्करा लिपस्टिक एंड आईब्रो फिल कर लेना है। आईब्रो फिल करने के लिए बहुत सारी वीडियोज अपलोड की हुई है तो आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि वीडियोज बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आईब्रो फिल कर ले रही हूँ मैं। पापा देखते हैं ऑनलाइन छोड़ते हैं, वास्तव में भूल गए हैं। हमने देखा क्यों?